ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग है जूनागढ़ में। ये है जूनागढ़ का मजेवाड़ी गेट, जो एक लैंडमार्क जैसा है। लास्ट हमने यहाँ पे विजिट किया है सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जो यहाँ पे बहुत ही बड़ा है और भारत में सबसे पुराना जू है। आपने देखा नहीं है तो देखे जरूर, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आएगा महाबंध मकबरा। हम लोग जा रहे हैं जूनागढ़ का ऊपर कोट फोर्ट देखने के लिए। सामने जो आप देख रहे हैं वो है ऊपर कोट फोर्ट, जो यहाँ पे जूनागढ़ में स्थित है, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा जूनागढ़ से सताधार धाम, श्री आपागीगा महाराज भूमि सताधार धाम। जूनागढ़ से सताधार धाम 40 किलोमीटर दूरी पर है, आपको तकरीबन एक घंटा लग जाएगा यहाँ पे आने के लिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे, आपको चैनल पे ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहेगी। श्री सताधार दान गिगेव द्वार। तो पहुंच गए हम लोग सताधार धाम। यहीं पे राइट साइड में पार्किंग है, तो अपना जो ग्रे पिजन है स्विफ्ट कार, इनको यहीं पे पार्क करते हैं, बाद में दर्शन के चलते हैं। सताधार धाम, यहाँ पे सताधार धाम में है हम लोग और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जिसके बारे में आपको दिखाते हैं और चलते हैं थोड़ा डिटेल के साथ। तो घूमते हैं सताधार धाम और यहाँ पे मार्केट भी है, आप यहाँ पे शॉपिंग करना है, आपको कुछ लेना है तो यहाँ पे मार्केट है, साथ ही पार्किंग है, कार पार्किंग यहाँ पे देखें। तो चलते हैं अंदर मंदिर में। सताधार संत श्री आपागीगा श्री पाड़ाबीर संत भूमि से प्रख्यात है सताधार धाम। हम अभी यहाँ पे है गुजरात में विसावदर में है सताधार धाम और ये है टॉप व्यू। श्री आपागीगा आश्रम, श्री जीवराज बापू भुवन, श्री सताधार मंदिर, श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर, श्री पाड़ापीर और लक्ष्मण कुंड विजिट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आप देख सकते हैं टॉप व्यू से मंदिर और मंदिर परिसर। हमारे साथ एंड तक बने रहे, हम जानेंगे पूरा हिस्ट्री सताधार धाम का। ये है मंदिर का मेन गेट, श्री सताधार धाम मंदिर। गेट से एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में है गौशाला और राइट साइड में श्री पाड़ापीर समाधि है। श्री पाड़ापीर, पाड़ा मतलब बफेलो, गुजराती में पाड़ा बोलते हैं, बफेलो या ऑक्स बोल सकते हैं आप। श्री पाड़ापीर का इतिहास कुछ इस तरह से है, इनके मालिक सामजी बाबू ने इनको गाँव वालों के आग्रह से गाँव वालों को दिया और हमीर भाई ने इनकी जिम्मेदारी ली। हमीर भाई के अवसर के बाद गांव वालों ने 500 रुपये में सावरकुंडला में बेच दिया और सावरकुंडला में से 5000 रुपये में मुंबई में कत्लखाने में बेच दिया। कत्लखाने में मशीन की 3 कटर टूट गई और मालिक को भी चोट आ गई। ऐसा पहली बार हुआ था तो मालिक ने वापस पाड़ा को सताधार पहुंचाया। बाद में उनकी पूजा होने लगी। 21/7/1993 में उनका देहांत हुआ, तभी से यहाँ पे श्री पाड़ापीर की समाधि है। ये है गौशाला जो मंदिर परिसर में ही स्थित है। दोस्तों हम आपको बता दें, हम हैं गुजरात में, गुजरात में काठियावाड़ या सौराष्ट्र में, जो संतों की भूमि से पहचाना जाता है। तो हम हैं सताधार में, जो उनमें से एक भूमि है। मंदिर परिसर देखे बहुत ही बड़ा है, अगर आप आते हैं दूर से तो आपको यहाँ पे स्टे और खाना दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, निःशुल्क सेवा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। गर्मी में आप थके हारे आते हैं तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। सताधार में बहुत ही महान संतों का जन्म हुआ है और ये संतों की भूमि के नाम से पहचाना जाता है। उनमें से एक महान संत श्री है आपागीगा, जिनकी समाधि है यहाँ पे। सामने जो देख रहे हैं वो है संत श्री आपागीगा और यहाँ पे दाई ओर में भोजनालय है, आप यहाँ पे भोजन ले सकते हैं, जो रात को 2 बजे तक चलता है, आपको यहाँ पे कभी भी भोजन मिल जाएगा। संत श्री आपागीगा के पास दिव्य शक्ति थी और उन्होंने 1800 में
सताधार की स्थापना की थी। ये भूमि श्री अप्पा गिगाना ओटलो से भी फेमस है। मेन गेट से बहुत ही अंदर है, बहुत ही बड़ा मैदान है यहाँ पे। आप दूर से आते तो यहाँ पे स्टे और जीवराज भुवन है, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। श्री जीवराज बाबू भुवन आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। चलते हैं श्री अप्पा गिगा के समाधि और मंदिर के दर्शन करते हैं। श्री अप्पा गिगा का जीवन निस्वार्थ प्रेम से मानव कल्याण और पशुओं के लिए समर्पित किया था। मंदिर परिसर में कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है, हो सके तो दर्शन करवाएंगे आपको, नहीं तो आप यहाँ पे सदाधार में आए और दर्शन करें। दर्शन नहीं करवा पाएंगे, आप आए यहाँ पे सताधार गुजरात में और दर्शन करें। यहाँ की एक मान्यता है कि आप यहाँ पे श्री अप्पा गिगा की समाधि के दर्शन करते हैं तो जिनको बच्चों की कमी है, जिनकी गोद नहीं भरती है, वो यहाँ पे पूरी होती है। ये है पुरानी गौशाला, यहाँ पे पाड़ा पीर और पशुओं को रखते थे। दर्शन करते हैं मंदिर की ध्वजा की। यहाँ पे है लक्ष्मण कुंड और बिल्वेश्वर महादेव मंदिर, जो शिवलिंग यहाँ पे अपने आप प्रकट हुआ था। इससे पहले दोस्तों हम लोग गए थे चोटीला राजकोट के बीच में श्री अप्पा गिगाना ओटलो, वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो वो भी जरूर देखें। वहाँ पे निःशुल्क 24 आवर्स सेवा चलती है, खाना और रहना आपको फ्री में मिल जाएगा। वहाँ पे महान संत श्री अप्पा गिगा ने जो सेवा कार्य शुरू किया था वो अभी भी चलता है। सताधार धाम सबके लिए खुला है, आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आपको जो भी दुविधा है, जो भी कष्ट है, वो यहाँ पे आके मिट जाएंगे, तो एक बार जरूर आए यहाँ पे सताधार धाम गुजरात। ये है बिल्वेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों हम आते हैं दर्शन करके, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। आप भी चले हमारे साथ दूर से करें दर्शन। हर हर महादेव। ये जो देख रहे हैं आप, ये है लक्ष्मण कुंड जो बिल्वेश्वर महादेव मंदिर की साइड में ही है। चलते हैं वहां पे। यहाँ पे गुजराती में लिखा है महंत महाराज श्री जीवराज बापू गुरु श्री श्यामजी बापू। 2015 में पुनर्निर्माण हुआ था मंदिर का, ऐसा लिखा है। पे लिखा है कुंड में आपको मगरमच्छ भी मिल सकते हैं, तो सावधानी बरतें। बहुत ही विजिटर्स आते हैं यहाँ पे मुलाकात के लिए, और देखे यहाँ पे नहा रहे हैं कुंड में। यहाँ पे पास ही में डैम है, वो डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो पानी के साथ कभी कभी मगरमच्छ भी आते हैं, तो इसीलिए लिखा गया है कि मगरमच्छ हो सकते हैं, सावधानी बरते। लक्ष्मण कुंड के साथ यहाँ पे एक कुआं भी है,
जो कुएं में आप पैसा डाल के मनोकामना मांगते हैं तो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है ऐसा कहा जाता है। एक बार आपको फिर से बताते हैं, ये है सदाधार धाम, विसावदर में जूनागढ़ के पास गुजरात में स्थित है। एक बार मुलाकात जरूर ले, यहाँ पे आपके जो भी कष्ट है वो मिट जाएंगे। सदाधार विजिट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे गिर नेशनल पार्क, तो बने रहे हमारे साथ। सदाधार धाम में हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे और दर्शन किए हमने सदाधार धाम के। ये है मंदिर और दूसरा जो मंदिर है आपा जी का, महाराज का मंदिर है, और यहाँ पे लक्ष्मण कुंड भी है जहाँ पे स्नान करते हैं। तो देखिए ये है लक्ष्मण कुंड, आप आते हैं सदाधार धाम तो यहाँ पे दर्शन करें, स्नान करें लक्ष्मण कुंड में। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। तो आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड कर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।